हाँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर इज, ठीक है। किसी को भी आंसर देना हो और किसी को भी कुछ बोलना हो तो चैट पे बोलेगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। बाकी कुछ कोशिश करो कि नहीं बोलना पड़े। और थर्ड लिखा है मैंने 1 प्लस डॉट 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 n³ इज n n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीन चीजें हमने पढ़ ली है। अब तुम लोग बस एक और जो भी चीजें लिखवानी थी कि इसको भाई हम लोग ये समेशन आर बोलते हैं, समेशन आर स्क्वायर बोलते हैं, और इसको समेशन r³ बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को लिखाई दिया, तुम लोग बस एक नोट लिख लो जो मैंने नहीं लिखवाया अभी तक, ठीक है। नोट लिख लो बस। नोट लिखो, समेशन r³ इज इक्वल टू, सुन लो ध्यान से, समेशन r³ क्या है? समेशन r³ ये आया है, ये आया, देखो ये आई है उसकी वैल्यू, समेशन r³ की वैल्यू। मैं इसको लिख रहा हूं समेशन r³ इज इक्वल टू समेशन r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तुम याद रख सकते हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बाकी तो और कुछ नहीं पूछने वाले इसमें। तुम ये नोट करके बस लिख लो, समेशन r³ इज इक्वल टू समेशन r का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई ऐसे रिलेशन नहीं है, हमने समेशन r³ निकाला और हमने समेशन r निकाला तो देखा दोनों में कुछ रिलेशन आया, बस वो लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी ऐसे मैथमेटिकली तुम मुझे बोलोगे कि सर उसका स्क्वायर करके दिखाओ वो क्यूब के इक्वल आ रहा है, तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो वैसे भी हमारे सिलेबस से हटा दिया है। मैं लास्ट ईयर में इसके अलावा भी एक चीज मैंने पढ़ाई थी, मतलब सम 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 एन की पावर 4 पढ़ाया था, ठीक है ना। ये तो पहले ही जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी मैंने पढ़ा दिया था। तो अगर कोई करना चाहता है तो ये वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है। वो कैसे निकालेगा, कोई अगर निकालता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। वो कैसे निकालेगा, के की पावर 5 माइनस k-1 की पावर 5 करके लिखना पड़ेगा, इसको एक्सपैंड करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। तुम देख लोगे मेरे हिसाब से, तुम लोगों को पास्कल ट्रायंगल आता है, नहीं तो पावर 5 करो मल्टीप्लाई, पहले इस क्यूब निकालो, होल स्क्वायर निकालो, फिर के की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 रखोगे और सबको बैठ के ऐड करोगे तो तुमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर तुम निकालना चाहो तो ये निकाल भी सकते हो, ठीक है। मेरे पास आंसर है, मेरे से पूछ ले रहा है आंसर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसलिए ध्यान से देखना इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ, स्टार्ट करो लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट समेशन r1 से लेके n तक r+3 की पावर r, ठीक है। ये है पहला सवाल, तुम लोगों को करना नहीं है, मैं तुम लोगों को पहले कुछ क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं, उसके बाद तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। पहले ये क्वेश्चन देखना क्या है। देखो एक चीज तुम लोगों को याद होगी, तो मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि ये जो समेशन होता है, समेशन AI+ समेशन BI, ठीक है ना, इसको हम लोग समेशन अलग अलग कर सकते हैं, याद होगा। इंटीग्रेशन और समेशन में तुमको रिलेशन बताया था और बोला था कि प्लस और माइनस में जैसे इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, वैसे समेशन भी अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं समेशन को अलग अलग कर रहा हूँ, समेशन r+समेशन 3 की पावर r। ये r1 से लेके n तक ये लिखना जरूरी नहीं होता है, समझ ही जाता है, नहीं भी लिखा तो भी 1 से लेके n तक, बाकी मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि यार ये लिखा क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज लिखी है और ये चीज क्या लिखी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंड करके देख रहा हूँ कि भाई लिखा क्या है। तो उसमें 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया तो 2 आया, 3 पुट किया तो 3 आया, डॉट 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 n पुट किया तो n आया, ठीक है। और सिमिलरली जब मैंने इसमें ये सारी चीजें की, 1 पुट की तो 3 की पावर 1 आया, 2 पुट किया तो 3 की पावर 2 आया, 3 पुट किया तो 3 की पावर 3 आया, डॉट 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 एन पुट किया तो 3 की पावर n आया, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये तो एपी है, ठीक है ना। ये एपी के सम का फॉर्मूला हमने लिख के रखा है, n n+1/2। डायरेक्टली भी तुमको यार ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने तुम लोगों को ऊपर याद करवाया ये। प्लस यार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीपी, ठीक है ना। तो ये जीपी के सम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो जीपी के सम का फॉर्मूला अगर तुमको याद होगा तो, ठीक है ना, जीपी के सम का फॉर्मूला था a(1 - r)^(n)/(1 - r), ठीक है। तो वही लिख रहा हूं मैं, a(1 - r)^(3), 3 की पावर n/(1 - 3), ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इसका सम का वैल्यू, ठीक है ना, ये है आंसर, इसको लिख लो।
लिखो इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा चैट पे बोलो क्या है। सर चैट डिसेबल है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ कर दिया मैंने इनेबल, या तुम लोगों को तो म्यूट करके रखा है मैंने, तो अनम्यूट कैसे कर लिया अपने आपको। हाँ चैट इनेबल कर दिया मैंने। है हाँ, ये फाइनल आंसर है स्नेहा, बिल्कुल ये फाइनल आंसर है। मैं अभी 5-6 दिन ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, इसी के लिए कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी स्नेहा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारे फाइनल आंसर इसी फॉर्म में दिखेंगे अब, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में हो सकता है इनकी वैल्यू 10 देते, तो तुम बस बेसिकली तुमको सीधा 10 पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको आगे पढ़ना है। ये टाइप है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, ठीक है। लिखो ये भी मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तुमको, बड़ा लिखो। अच्छा ठीक है, बड़ा लिख दो। ये जिसने भी निखिल मित्तल नाम से अकाउंट बनाया बंद कर दो, मुझे पता है कौन है, ठीक है ना। बंद करो बस, अब कुछ मत लिखना उस पे। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये कोई तो भी एक टर्म लिखा हुआ है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5, ठीक है ना। ये सीरीज जो है, ये सीरीज अगर तुमसे कोई पूछेगा एपी है क्या, तो ये एपी भी नहीं है, ये जीपी है क्या, ये जीपी भी नहीं है। और अगर कोई पूछेगा ये एचपी है क्या, हाँ ठीक है, ये एचपी भी नहीं है, ठीक है ना। ये एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एचपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तुमको पहले बता देता हूँ ये है क्या, ठीक है। वैसे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। ये लिखा है 2 + 6 + 12 + 20 + डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। अगर तुम ये सीरीज, तुमसे कोई पूछेगा पर्टिकुलर पैटर्न निकालने बोलेगा कि भाई पैटर्न तो बताओ क्या है, कुछ पैटर्न पकड़ पाए क्या, तो तुमको मैं पैटर्न दिखाता हूँ। इन दोनों में 4 का गैप है, इन दोनों में 6 का गैप है, इन दोनों में 8 का गैप है, एंड सो ऑन। ऐसे ही देखते जाओगे तो तुमको जो गैप्स दिखेंगे, ठीक है ना, अटक रहा था अब नहीं अटकेगा, ठीक है। किसी का फोन आया था मुझे, बार बार अटक रहा है, हाँ अब नहीं अटकेगा। अभी क्लियर है ना। हाँ ठीक है, इन दोनों में ये जो तुमको डिफरेंस दिख रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज इन एपी, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही एपी में आ रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या होता है 5 × 6, वो कितना होता है 30। तो इन दोनों में कितने का गैप है, इन दोनों में 10 का गैप है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इन एपी, ऐसे लिखते हैं इसको। डिफरेंस ऑफ, आगे पढ़ाऊंगा, ये टाइप है अपना, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इन एपी, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी में है, पर अभी अपने को कुछ नहीं करना है। चलो अभी इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो तुम एक चीज समझो। यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे क्या था पता है क्या, यहाँ पे ये जो चीज लिखी है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या, चैट पे बताओ ना इसको क्या बोलते हैं। ये इस सीरीज का जो हमने ओपन करके लिखा है, वो इस सीरीज का क्या है, ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है क्या है, इसको क्या बोल सकते हो। वेरिएबल नहीं यार, वेरिएबल क्या बोल रहे हो, इसको इसके टर्म्स में बोलो ना। हाँ इसको हम बोलते हैं, ये जनरल टर्म है, ठीक है ना, ये जनरल टर्म है इस सीरीज, इस प्रोग्रेशन जो हमने ओपन करके देखा है उसका ये जनरल टर्म है। तो तुमको याद रखना, तुमको किसी भी सवाल में सबसे पहले उसका लैग हो रहा है, लैग हो रहा है क्या, या थोड़ा बहुत तो लैग होगा ही ना, काहे को टेंशन ले रहे, लिखो ना आराम से, ठीक है ना। अभी लाइट गई है तो मैं क्या करूं, मैं घर पे रहता तो सही रहता, अभी इंटरनेट इंटरनेट भी नहीं चल रहा होगा यहाँ पे, अभी देखते रहो तुम लोग बस, ठीक है। अब सुनो मेरी बात,
मैं क्या बोला इसका जनरल टर्म है, तो तुमको हर क्वेश्चन में सबसे पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो मुझे जरा ये जो सीक्वेंस लिखा है, ये जो भी सीक्वेंस है प्रोग्रेशन है, इसका मुझे जनरल टर्म बताओ क्या आएगा। टीएनथ टर्म लिखना, कोई एएन मत यूज करो, टीएन ही यूज करो। हाँ जनरल टर्म तुम सोच के आराम से लिख लो। बिल्कुल, सोहम ने और चिन्मय ने और ऋषभ ने मुझे इसका जवाब दे दिया है, दैट इज एन एन प्लस वन। देखो जनरल टर्म तुमको कॉमन सेंस से लिखना पड़ेगा। हम लोगों को जब पढ़ाते थे तो हमारे टीचर्स तो बोलते थे कि यार कॉमन सेंस से लिखना सीखो, इसको निकालने का तरीका भी है, पर मैं यहाँ पे तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस से काम हो जाएगा, ठीक है ना। तुम अगर देखोगे तो बहुत सिंपल सा है ये, पहले टर्म में वन है, दूसरे टर्म में टू है, अरे पहला पहला टर्म देख रहा हूँ, तीसरे टर्म का पहला टर्म थ्री है, चौथे टर्म का पहला टर्म फोर है, फिफ्थ टर्म का पहला टर्म फाइव है, तो ऑब्वियसली एंथ टर्म का पहला टर्म एन होगा। और तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एक ऐड कर करके लिखा है दूसरा टर्म, तो हमने दूसरा टर्म लिख दिया एन इंटू एन प्लस वन। तुम सोच के देखो, अगर वन पुट करोगे तो मिलेगा वन इंटू टू, टू पुट करोगे तो मिलेगा टू इंटू थ्री, थ्री पुट करोगे तो थ्री इंटू फोर, फोर पुट करोगे फोर इंटू फाइव। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि ये जो सम होता है, मुझे सम निकालना था, सम अप टू एन टर्म्स, मुझे एंथ टर्म नहीं पूछा किसी ने, मुझे सम पूछा है इसका। सम क्या होता है, सम होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डॉट 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 एंथ टर्म, अरे सारे टर्म्स का सम होता है ना। तो मैं Sn को लिख सकता हूँ, Sn को लिख सकता हूँ मैं समेशन Tn। ये क्लियर होना चाहिए, सारे टर्म्स को जोड़ना है मुझे, समेशन Tn लिख दिया है मैंने। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, समेशन Tn की जगह पे पुट कर रहा हूं n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन पुट कर दिया है मैंने। ये क्लियर होना चाहिए तुमको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज में मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, फिर तुम लोग लिख लेना है आराम से। मैंने Sn लिख दिया है, Sn इज इक्वल टू समेशन Tn, और समेशन Tn की जगह पे मैं लिख दिया समेशन n इंटू एन प्लस वन, ठीक है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ समेशन n को अंदर मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। समेशन हमको पता है अलग अलग कर सकते हैं, समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन, ये आ गया, ठीक है। समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू तुमको अभी लिखाई मैंने, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और समेशन एन की भी वैल्यू अभी लिखाई तुमको एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो तुमको समझ में आया ना, जो चीजें हम लोगों ने इस फॉर्म में देखी थी, हमने उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। हमने उसको तोड़ के मैथमेटिक्स लगा के एन स्क्वायर प्लस एन में कन्वर्ट किया, और फिर हमने समेशन एन स्क्वायर भी याद करके रखा है, समेशन एन क्यूब भी याद करके रखा है, उन दोनों की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। लिखो इसको, कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, खुद से करोगे तो भी क्लियर होता जाएगा। ये लिखो और फिर अपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने, अपने क्लियर हो जाएगा। लिखो ये सर, ऐसे बार बार चैट में आंसर कंफर्टेबल नहीं है डायरेक्ट अनम्यूट करके, बिल्कुल नहीं, अनम्यूट मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मैं अनम्यूट करूंगा तो तुम लोग कुछ मुझे बोलने ही नहीं दोगे, अनम्यूट नहीं करूंगा मैं, ऐसे ही तुम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन कैसे मैच करेंगे सर, ऑप्शन यही लिखा रहेगा स्नेहा, यही लिखा हुआ तुमको दिखेगा जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखा हुआ दिखेगा तुमको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आंसर आराम से मैच हो जाएगा, तुम आंसर का टेंशन मत लो। जो भी कॉमन लेने पे जो बन रहा है बना सकते हो, ठीक है, कॉमन ले सकते हो तुम लोग, कॉमन लेने पे उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बाकी अभी तो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा अपना अकल लगाओ और मुझे करके दिखाओ। थर्ड क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस में आ चुका है, एस इज इक्वल टू वन इंटू टू स्क्वेयर प्लस टू इंटू थ्री स्क्वेयर। हाँ एक सेकेंड बस देख लो, हाँ सही बोला कार्तिक ने, लैंडस्केप में देखो फॉन्ट्स बड़े दिखेंगे, ठीक है, हो गया। चलो ये नोट करो, मैं लिखता हूँ तब तक सवाल, थ्री इंटू फोर स्क्वायर, ठीक है, एक और टर्म लिख देता हूँ फोर इंटू फाइव स्क्वायर, वैसे जरूरत नहीं थी, तीन टर्म्स काफी होते, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो जनरली मैंने जो क्वेश्चन जहां से भी उठाया, एडवांस का सवाल उठाया, वहां पे यहाँ पे जो लास्ट टर्म था वो दिया हुआ था, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अप टू एन टर्म्स। इससे क्या होगा, तुमको nth टर्म भी लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है, खुद से nth टर्म लिखो, और तुम लोग सबसे पहले मुझे इसका nth टर्म क्या आया वो बताओ, ठीक है। मैं तुमसे वो सीक्वेंस वीक्वेंस क्या है वो सब नहीं पूछ रहा, तुम मुझे सीधा इसका nth टर्म क्या आया वो बताओ पहले। तो
हाँ रूसब ने जवाब दे दिया इसका, एंथ टर्म आएगा, टीएन आएगा। फर्स्ट टर्म इज वन, वन में वन, टू में टू, थ्री में थ्री, फोर में फोर, तो एन में एन, ठीक है। सेकेंड टर्म तुमको दिख रहा होगा ये ऐड करके लिखा है, तो वो लिख सकता हूं मैं एन प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या हुआ, अनम्यूट हो गए क्या तुम लोग? कौन है भाई, म्यूट कर लो भाई। अच्छा ठीक है, करो ना ये, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, हमको टीएन नहीं निकालना था, सिर्फ हमको समेशन टीएन निकालना है ना। समेशन टीएन कैसे निकालोगे, तो लिखो समेशन एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये तो निकालना आता नहीं है, समेशन मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग नहीं होता है, तो तुमको टाइप करने में जा, हाँ टाइप वाइप मत करो, कुछ मत करो, शांति से बैठ के देखते रहो बस, ठीक है। एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समेशन अलग अलग कर रहा हूँ, समेशन एन क्यूब प्लस समेशन, सॉरी टू एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन अलग अलग किया, समेशन एन क्यूब प्लस समेशन टू एन स्क्वायर प्लस समेशन एन, ठीक है। यहां से आ गया समेशन एन क्यूब, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, टू समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन। समेशन एन क्यूब तुमको पता है क्या होता है, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अभी लिखवाया, रट्टा मारने बोला, रट्टा मार लो, ठीक है। प्लस अभी बस ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं तुमको समझा रहा हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं इस टाइप, मतलब ये तरीका कौन सा, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चंस को करने के और भी एक तरीके रहते हैं जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे अच्छा तरीका नहीं है वो, ये बेस्ट तरीका है। तुमसे कोई सवाल कभी नहीं हटकेगा, पूरा सीक्वेंस सीरीज निकल जाएगा, ये आगे फाइनल आंसर इसका, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया है देखो, फिर से मैं बता देता हूँ, ये पूरा जुगाड़ है, ठीक है ना, जो मैंने तुमको सबसे पहले पढ़ा दिया। तुम अगर देखोगे तो ये जो टर्म्स लिखे हैं, ये टर्म्स नाइदर एपी नॉर जीपी नॉर एचपी, तो हमको इसका सम निकालने का, इन सारे टर्म्स का सम निकालने का कोई पर्टिकुलर वे नहीं पता है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें एलजेब्रा अप्लाई किया है। एलजेब्रा मतलब क्या, हमने इसका जनरल टर्म लिख दिया और फिर हमने समेशन की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा है। देखो समेशन एन एन स्क्वायर और एन के टर्म्स में, सॉरी यहाँ पे मार्क करना चाहिए था, एन क्यूब एन स्क्वायर और एन के टर्म्स में तोड़ा है और फिर उसके फॉर्मूलेज अप्लाई किए, ठीक है ना। तो हमने पूरा का पूरा सवाल इसमें कन्वर्ट कर दिया है, क्या बोलते हैं इसको, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन एलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं जो मेंस और एडवांस में अलग अलग साल में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तुमको मैं कुछ इजी क्वेश्चंस देता हूँ, तुम लोग करो, ये हो गया होगा, ठीक है ना। सवाल लिख रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन लिख लो पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट समेशन, नहीं समझ रहा है, पहले मुझे नाम बताओ, 07 कौन हो तुम, फिर बताऊंगा मैं, जेम्स बॉन्ड को नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा आकांक्षा, आकांक्षा करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, तुम लोग पहले ये सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये सॉल्व करो पहले। अच्छा तीनों की वैल्यू बताओ मुझे, इतना वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, बस सिंपलीफाइड वैल्यू में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो लिख के दिया था बस वो चल जाएगा। फटाफट एकदम इजी क्वेश्चंस दिए हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए दिया है। सबसे पहले यहाँ पे सबको पता होना चाहिए समेशन आर का फॉर्मूला लिखा है, एन एन प्लस वन बाई टू है ना, वहां पे n की वैल्यू क्या है, 10, तो इसका आंसर आएगा 10 10 प्लस 1 बाई 2, इतना तुम लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, इसकी वैल्यू 55 आ रही है, देख सकते हो। समेशन आर स्क्वायर लिखा है, समेशन आर स्क्वायर भी बताया आज ही बताया, n n प्लस 1 2 n प्लस 1 बाई 6, वहां पे n की वैल्यू क्या है, 7, तो मैं लिख सकता हूं 7 7 प्लस 1 10
टू इंटू सेवन प्लस वन दैट इज 15/6। ठीक है ना, फॉर्मूला कौन सा लगाया मैं फिर से लिख दे रहा हूँ नीचे उसके, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है ना, इसमें एन की वैल्यू सेवन पुट की है। अब यहाँ पे आकांक्षा ध्यान से देखना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे क्या हमको समीशन आर स्क्वायर भी और समीशन आर क्यूब भी, हमने दोनों साथ में नहीं पढ़ा है, हमने दोनों अलग अलग पढ़ा है, तो मैंने दोनों अलग अलग कर लिया, समीशन आर क्यूब अलग, समीशन आर स्क्वायर अलग। ठीक है ना, एक सेकंड, वीडियो अटकेगा शायद अभी। हाँ अभी ठीक हो गया होगा। आर वन से लेके फाइव ठीक है, थोड़ा सा वीडियो अटका होगा। हाँ फोन आ गया था मुझे। समीशन आर स्क्वायर समीशन आर क्यूब, ये आर स्क्वायर देख रही हो ना आकांक्षा, ये पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि समीशन अलग अलग कर सकते, ये अलग अलग कर लिया मैंने। इसका फॉर्मूला ये रहा, इसका फॉर्मूला ये रहा, और इसका फॉर्मूला भी लिखा दिया है। इसका फॉर्मूला ये होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू 5 पुट करो हो जाएगा, 5 पुट करो यहाँ पे दोनों में, जो भी है आंसर सही है, आंसर देख लेता हूँ मैं। हाँ 280 आंसर। ठीक है, अब दो सिंपल से क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो तुम लोग करके दिखा दो मुझे। समेशन r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है r 1 से लेके 5 तक, बेसिक सवाल है। देखो ये सब तुम लोग मेंस में, मेरे को तो लगता है मेरे बिना पढ़ाई भी बना लेते। ठीक है, बस बता रहा हूँ एक बार, सारे एग्जांपल्स करा रहा हूँ, ये दोनों करो वरना मैं करके दिखाता हूँ। एक सौ पांच किसका आंसर बता रहे हो मुझे? 105 तो किसी का आंसर नहीं है। 145 भी नहीं है। इसका आंसर 55 आया था, इसका आंसर 140 आया, इसका आंसर 280 आया। ठीक है, सब गलत बता रहे हो यार, सही से करो। पूरा समीशन के अंदर लिखा है, इसको अलग अलग करो ना, समेशन आर स्क्वायर प्लस समेशन, अरे अरे सही है, शायद सही है किसी का, मैंने गड़बड़ कर दी है, 3r प्लस समेशन 1। ठीक है, यहाँ पे 5 पुट करोगे तो आएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इज 6 इंटू 11 बाई 6। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, समेशन r होता है n n प्लस 1 बाई 2। हाँ सही बोल रहे हो, मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, प्लस 5 क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ, अरे ये समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखा है मैंने, 6, 6, 55 plus 45, that is 100, 105 is the answer. फटाफट बोलो, अरे इतना टाइम लगेगा क्या, एक बार में आंसर बता देना चाहिए था। सर मेरा नहीं आया, 105 क्यों नहीं आया, 54 सही है इसका, क्यों नहीं आया? अब बोली मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखा है, समेशन आर स्क्वायर होता है एन एन प्लस वन बाई टू, सॉरी एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, उसमें मैंने एन को 5 पुट कर दिया है, 5 दिख रहा होगा। समेशन ये 3 बाहर निकाल लिया, ये वाला 3 बाहर निकाल लिया, समेशन आर होता है एन एन प्लस वन बाई टू वो पुट कर दिया, समेशन 1 एन होता है, ये तुम लोगों को देख लो पहले लेक्चर में पढ़ाया था, एन को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, उसको 5 लिख दिया, तीनों को जोड़ोगे आ जाएगा, यहाँ पे 54 आएगा, यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, याद रखना हम जब समेशन आर स्क्वायर को एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6 लिखते हैं तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ये मैंने तुम लोगों को लिख के भी दिया है, एन की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाती है, यहाँ पे 1 से नहीं 2 से लेके एन तक है, तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस, खोल के दिखा रहा हूँ तुमको क्या लिखा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1 स्क्वायर ऐड करके मैं 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म की वैल्यू ये रही अभी निकाला है, 5 इंटू 6 इंटू 11 बाई 6 माइनस 1 दैट इज 54। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ जाएगा ये।
ठीक है चलो, अभी एक लास्ट चीज बता देता हूँ आज के लेक्चर के लिए, ठीक है फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ये लिख लो, लो मैं टाइम देता हूँ 2 मिनट, लास्ट एक चीज और पढ़ानी है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो देखना ध्यान से। सम ऑफ फाइंड द, देखो सवाल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन, एक सेकेंड, फर्स्ट एन ऑड टर्म्स, फर्स्ट एन, अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है पहले, हाँ वो तो है ही, लेकिन थोड़ा सा अपने को इस तरीके से करना भी पड़ेगा। पूरी दुनिया, आधी दुनिया, आधे से ज्यादा इंडिया में लोग जूम पे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है मैं, मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे सब जूम पे ही पढ़ते हैं। मैं तो पूछता भी हूँ भाई कैसे पढ़ते हो, ठीक है ना, और इवन उनकी जूम की रिकॉर्डिंग भी नहीं डालते वो लोग। चलो ठीक है छोड़ो, वो तो 1+5+7+9+... So अच्छा ये कहाँ तक जाना है हमको, अप टू एन टर्म्स तक जाना है। ठीक है अच्छा, इसमें एक सवाल पूछना था मेरे को ये क्या, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम लोगों ने स्कूल में भी किया होगा। ठीक है अच्छा, इसका जो सबसे पहले मुझे इसका कोई एंथ टर्म बताओगे क्या, इसका एंथ टर्म, जैसे हम लोग को 1+3+5+7 कितने टर्म्स तक ऐड करना है, एन टर्म्स तक ऐड करना है, तो इसका आखिरी टर्म क्या होगा कोई बता पाएगा क्या। हाँ बिल्कुल सही बोले, इसका आखिरी टर्म 2n-1 होगा। देखो कुछ गड़ कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं, या फिर लिखा अप टू एन टर्म्स, तो वो लोग क्या करते हैं आखिरी टर्म को एन पकड़ लेते हैं। ये सब उल्टे सीधे काम मत करना। यहाँ पे अगर तुमको जनरल टर्म निकालना है, मतलब टीएनथ टर्म निकालना है, तो तुम टीएनथ टर्म लिख सकते हो a+n-1 × d, क्योंकि ये एपी है, तो यहां से तुमको सम मिल जाएगा 2n-1। ठीक है अब हमको इसका सम निकालना, यहाँ पे जनरल टर्म मिल गया टीएन, तुमको अगर सम निकालना है, तुम्हारे पास सम निकालने के दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगा दो, इतना कौन दिमाग लगाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स एन दिया ही है। ठीक है 2a(2×a+n-1)(d)2, इसको सॉल्व करके देख लो, ये एन स्क्वायर आएगा। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी को करने का मेथड टू भी है। देखो मैं तुमको सारे क्वेश्चन अब मेथड टू से जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे वही सिखाना है, तुमको फील दिलवाना है इसका। SN हमने क्या लिखा था, समेशन TN, हमने TN निकाल लिया है समेशन 2n-1। अब तुमको मैंने बताया कि हम समेशन अलग अलग कर सकते हैं, समेशन एन माइनस समेशन वन, समझ गए ना, ये टू को बाहर निकाल लिया बस अलग अलग करने के बाद। ये समेशन एन की वैल्यू क्या थी, NN+1/2, और हमने समेशन वन की वैल्यू भी पढ़ी है, समेशन वन इज एन, वन को एन बार जोड़ोगे तो एन ही आएगा, ये कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, N²+N-N आएगा, ये कट कटा के सॉरी N² आ जाएगा। समझ में आया, तो ये भी एक तरीका है, तुमको बस ये फील दिलवाया मैंने कि देखो एपी वाले क्वेश्चन में भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जो बेसिक एपी के जो फॉर्मूले से हो जाता है, उससे उसको तुम इससे भी कर सकते हो। ठीक है ये चीज क्लियर होगी, इसको आराम से नोट करो, मैं इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे करके दिखाओ। ये याद, ये कुछ लोग रट्टा मार के रखते हैं, ठीक है ना, अगर किसी को रटना हो तो रट सकता है, वो हो सकता है डायरेक्ट रिजल्ट काम आ जाए। नोट करके मैं लिखवा देता हूँ, अगर तुमको याद करना हो तो कर लेना, बहुत सारी किताबों में रटने बोलते हैं 1+3+5+7+9... अप टू एन टर्म्स, ठीक है ना, एन टर्म्स तक जोड़ेंगे। ठीक है ना, या सुनो इसको एन टर्म्स तक भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको बेस्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये लिखो 1+3+5+7+... 2n-1, मतलब उसका एंथ टर्म लिख दिया मैंने, लास्ट वाला टर्म 2n-1, इसकी वैल्यू आती है N², या यहां से भी बोल सकते हैं इसकी वैल्यू आती है N². हाँ यार रट्टे में कुछ मजा तो है नहीं वैसे, सही बात है तुमको, लेकिन रटना हो तो रट सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है। ठीक है अब कुछ लोग क्या होता है कि प्रॉब्लम कि वो लोग क्या दूसरी किताब पढ़ के रटते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें नोट्स में लिखा ही दे रहा हूँ और तुम्हारे पे ही छोड़ दे रहा हूँ। मैं बोल दे रहा हूँ जो रट सकता है वो बिल्कुल रट लो, बिल्कुल एकदम सही बोले, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिद्धेश देखो, सिद्धेश ने, चलो ठीक है बस खत्म ही होने वाला है क्लास, सिद्धेश ने एक चीज बहुत सही बोली, उसने बोला मतलब
सम ऑफ कंसेक्यूटिव, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स, ऐसे मत बोलो, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स मत बोलो, सम ऑफ वही जो लिखा है मैंने, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तुम अगर कोई भी तीन चार टर्म्स को जोड़ के देखोगे, कोई भी टर्म्स को जोड़ोगे, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, चार आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तुम अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो नौ आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तुम इन चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, सोलह आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तुम इन पांचों को जोड़ोगे तो पच्चीस आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि ऑड, पहले ऑड टर्म्स में से कितने भी टर्म्स को जोड़ लेंगे, पहले चार, पहले पांच, पहले पचास, वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, दैट इज एन स्क्वायर। इसको आगे यूज करेंगे, उस समय बोलूंगा मैंने एन स्क्वायर निकाल के दिखाया था। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, यही बोला ना मैंने, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर डॉट प्लस सेवन स्क्वायर डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो अब जब भी तुम ये क्वेश्चन करोगे तो तुम अब समझ जाओ, अब हमारे पास एक तरीका है हर सवाल को निपटाने का, ठीक है ना, ये समेशन वाला तरीका, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जनरल टर्म लिखना पड़ता है। तो मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूँ, टीएनथ टर्म, टीएनथ टर्म क्या आएगा इसका। तो सबसे पहले तुम टीएनथ टर्म देखने के लिए देखो, यहाँ लिखा है वन, यहाँ लिखा है थ्री, यहाँ कोई मुझे एंथ टर्म बताएगा इसका, ठीक है ना, जनरल टर्म कोई बताएगा, वन थ्री फाइव सेवन। अब ये वन थ्री फाइव सेवन को हमने देखा था, ये एपी है, वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, और फिर तुम देखोगे तो सबका होल स्क्वायर लिखा है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, समझे क्या, मैंने पैटर्न पकड़ लिया कि 1357 है और सबका स्क्वायर लिखा है, तो मैंने 1357 का जनरल टर्म लिख दिया, ये अभी निकाला ही था, 2n माइनस 1 आया था, और उसका बस यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, सबका स्क्वायर करके। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे समेशन निकालना है, समेशन tn, ये है ना इस साल का सवाल है, इस साल के मेंस का क्वेश्चन है, समेशन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तुम अगर समेशन ओपन करोगे तो समेशन ओपन होके बन जाएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया, ठीक है, 4n स्क्वायर, अरे इसको होल स्क्वायर ओपन करो ना, ऐसा मत करना समेशन अंदर डाल दोगे, वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है मैंने, जबरदस्ती कोई भी प्रॉपर्टी मत लगाते बैठना, ठीक है, इसमें समेशन अलग अलग करना, 4 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 1 माइनस 4 समेशन n, ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं मैं, 4 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस समेशन 1 इज n माइनस 4 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यही है इसका आंसर, और तुमको एग्जाम में और कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, यही लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, समझ में आना चाहिए। अब बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बाद आज का मैं शीट में होमवर्क दूंगा, अभी तुम लोग होमवर्क करो अच्छे से, मेरे को एक लास्ट चीज बस तुम ही लोग बताओ, ठीक है ना, मैं म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ तुम लोगों को, अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग, देख लेना, ठीक है ना, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, मुझे जवाब देना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, ये जो मैंने तुमको मेथड बताया, ये जो मैंने तुमको मेरा जुगाड़ बताया है, ये कहाँ पे फेल होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये कहाँ पे नहीं लगा पाऊंगा, Infinite में बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगी, इनफाइनाइट मैंने बता दिया था, एक चीज सुन लो, स्नेहा ने जो बोला है उसके बारे में मैं बता दिया, एक सेकेंड, इनफाइनाइट टर्म्स का जब भी सवाल मिलेगा श्रेय, ये क्या नाम है, स्नेहा, याद रखना वो जीपी ही बनेगा, इनफाइनाइट जीपी ही बनेगा, और कहीं पे हमने इनफाइनाइट नहीं पढ़ा है, उसमें तुमको ये सब लगाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो तीन से ज्यादा पावर रही तो कहा, क्या क्या, तीन से ज्यादा पावर रही तो बस जीपी में जवाब इसका, मैंने समेशन n पढ़ाया है, मैंने समेशन n स्क्वायर पढ़ाया है, मैंने समेशन n क्यूब पढ़ाया है। तुम एक चीज सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे एक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, अगर ये मैं यहाँ पे पावर 4 कर देता, यहाँ पे पावर 4 कर देता, तो यहाँ पे पावर 4 आता,
ठीक है ना, यहाँ पे भी पावर फोर आता है, ये पावर फोर खोलने पे ये भी टर्म में कुछ तो भी ए एन की पावर फोर प्लस बी एन क्यूब टाइप का बनता। अब जब समेशन अलग अलग करते तो हमने समेशन एन की पावर फोर क्या होता है वो पढ़ के नहीं रखा है, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं वो, लेकिन याद नहीं रखते, वो सिलेबस में नहीं है, तो हम समेशन एन की पावर फोर याद नहीं रखते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन तुम तभी नहीं कर पाओगे जब समेशन एन की पावर फोर रहेगा, ठीक है ना, ये तुम तब तक कर पाओगे जब तक क्यूब वाले टर्म्स रहेंगे, पावर फोर में ये वाला फेल हो जाएगा, ये वाला अप्रोच फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आज तक आईआईटी जेई के सिलेबस में पावर फोर वाले क्वेश्चंस नहीं है, हाँ जीपी में तो बिल्कुल फेल हो जाएगा, पावर फोर वाले क्वेश्चंस आए नहीं है क्योंकि वो अपने सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है ना, इवन तुमको कॉलेज में जाके भी नहीं पढ़ना है तो नॉट इन सिलेबस लिख देता हूँ, मतलब तुमको मैं जो भी सवाल दूंगा या तुम लोग कोई भी आईआईटी जेई की किताब सॉल्व करोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें तुम हर जगह ये वाला मेथड लगा पाओगे, ये वाला जुगाड़ लगा पाओगे, तो ये अच्छे से सीख लो और ये लगाना भी अच्छे से सीख लो, सारी चीजें अच्छे से कर लो इसमें, ठीक है। चलो अभी इतना रखता हूँ मैं, अभी मुझे 12th वालों की क्लास लेनी, चलो बाय। बाय।